Assalamu alaikum, I am Mukhtar Ahmed with the virtual University course of Human Resource Management. And we are here with our lecture number 35. And I believe that you must be feeling comfortable now, at least by now, because we have already completed our lecture number till lecture number 34. And most of the concepts, the topic of our subject are already covered so if you still have some problems some issues please do write to us so that the thing should be clear and at the end of the day you should be feeling comfortable answering the questions or responding any query any question about hrm so let us start our today's session and that is our lecture number 35 so let's start our lecture number 35 that is our today's lecture but again what about the previous lecture the lecture number 34 let's summarize it quickly in lecture number 34 we we'll try to discuss about the burnout and how can one avoid this burnout thing due to stress and i believe the concept of stress and all those things are clear by now and then we started another topic which is communications and especially communication in the organization as we already discussed this is very important if we have proper communication within the organization we can avoid so many things like stress the conflicts the problems the other problems and it is good for everybody there. We also try to look and at those barriers which can create problem in the effective communications, and then try to figure out how can we improve our communication process in organizations. And then we direct, directly we try to understand. रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन एच आर एम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और उसमें फिर हमने देखा कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है वो हैंड बुक जिसको हम कहते हैं इंप्लाइज हैंडबुक जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन दी गई होती है वर्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन जिसके अंदर आपको मोटिवेट भी किया होता है वेलकम कहा गया होता है आपको और साथ साथ आपसे आपको पॉलिसीज प्रोसीजर्स आपके बेनिफिट्स आपके राइट्स ये चीजें भी आपको बताई जाती हैं एंड इवन इफ देर इज ड्रेस रिक्वायरमेंट वो भी आपको बताया जाता है कि इस तरह प्रॉपरली ड्रेस होकर आना चाहिए ये रिक्वायरमेंट होगी आपको इस जॉब के लिए एंड इफ देर आर सम सेफ्टी प्रोसीजर वो भी उसमें बताया जाता है कि कैसे करके आपने आना है वो फिर आपके बेनिफिट्स के बारे में बताया जाता है उसमें सो वट अबाउट टूडे टॉपिक देन our lecture number 35, so 15 more to go, so still if things are not clear, please feel free, talk with us, write to us and so that things should be clear, about today's topic, we have to understand unionism, what is union? <laughs> फला आदारों में बड़ी यूनियन बड़ी स्ट्रांग है आजकल थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है इसकी इंपॉर्टेंस शायद उतनी नहीं, नहीं जितनी कपल ऑफ डिकेट बैक इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूनियन वॉज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल एट द टाइम इवन द डिसीजन मेकिंग्स और आजकल भी कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशन है ऑर्गेनाइजेशन है जिनके अंदर स्टिल यूनियन इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल मैनेज डिसीजन मेकिंग में भी और इंप्लाइज अपने की वेलफेयर के लिए भी अफकोर्स इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं कुछ नेगेटिव भी हैं एंड ड्यूरिंग अवर टूडेक्टैंड एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सो लेट सी वॉट इज यूनियन हैव एनी आइडिया यूनियन इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म फॉर द ऑफ रिप्रेजेंटिंग द मेंबर्स इंटरेस्ट इन डीलिंग विद एम्प्लॉयर्स वो जो वर्क फोर्स है ये उनकी ऑर्गेनाइजेशन है फॉर्मली रिकगनाइज बाई प्ला जिसका मकसद क्या है कि वो अपने मेम्बर्स के इंटरेस्ट को वॉच करें वाइल डीलिंग विद दी एम्प्लॉयर दी और इसमें कौन से फैक्टर हैं जो प्रमोट करते हैं इंटरेस्ट ऑफ यूनियंस को वर्किंग एनवायरनमेंट, कंपनसेशन मैनेजमेंट स्टाइल एंड ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटमेंट ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे हो सकता है कि एम्प्लॉर्स के और एम्प्लॉइज के आपस में इंटरेस्ट क्लैश करते हों अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने मेंबर्स की राइट right को प्रोटेक्ट करने के लिए दे वर्क द वर्कर दे फॉर्म देअर यूनियन लेट्स सी द फैक्टर्स लीडिंग टू एम्प्लॉय वही जो भी मैंने आपको बताया इसमें वर्किंग एनवायरमेंट कैन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एडुकेट स्टाफिंग दस लोगों का काम है दो लोगों से काम करवा रहे हैं जबरदस्ती आपसे अवर टाइम लिया जाता है विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा पुअर वर्किंग कंडीशन सो हु इज गोइंग टू आस्क

इस तरह कभी कभी मैनेजमेंट का स्टाइल जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है डिसीज़न लेती है मैनेजमेंट होफ से डरा के आपसे काम लिया जाता है और आपको काम को रिकग्नाइज भी नहीं किया जाता है लैक ऑफ रिक्शन दिस टू डू विद मैनेजमेंट स्टाइल इफ दर बॉस इफ योर मैनेजमेंट इज नॉट प्रॉपरली हेल्पिंग दे आर आर रिक्नाइजिंग इट देर आर लुकिंग एट दी जस्ट कॉज एंड इफेक्ट थिंग्स वैन दे आर डिसाइडिंग समथिंग सो दैट इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम सिमिलरली हाउ ऑर्गनाइजन इज ट्रीटिंग दियर एम्प्लाइज

If these are the situation, so naturally what is going to happen? The worker will form the union. To protect themselves for all these things, either it is the organization treatment, it is the management style, it is the compensation or what? So they trigger that the worker will form the unions. So but what is, how can we define the union then? This is the organization of the worker. Within the organization, they form an organization of the workers, they call it the union. And they elect collectively. The bodies are representing the workforce, the workers, and they are seeking for mutual interest of what? Of protection and promotion. Protection kistagi kisi unfair treatment now or proper promotions, compensation, miltine, deserve karte. And how they do that? There is another concept they call it collective bargaining. Now this body who is representing the worker. They negotiate, they deal with the administration, and we call it collective bargaining to decide about the working hour, the compensation, the benefits, and all those policies matters. And this is also known as the trade union. It seeks to maintain and improve their employees' employment relationship through direct collective bargaining with the management. वर्कर की जो बात करती है नेगोशिएट करती है ऑर्गेनाइजेशन के साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कलेक्टिव बारि रिप्रेजेंटिंग द वर्कर ऑन देयर बिहाफ उसको कलेक्टिव बारगेनिंग भी कहते हैं हम ताकि अपने मेंबर्स की अपने वो जो उनकी लोग हैं उसकी वो उस सारे वर्क फोर्स है, वर्कर हैं उनकी वेलवेशन के लिए वेलफेयर के लिए ज्यादती से बचने के लिए उनके फायदे के लिए दे आर द रिप्रेजेंटेटिव क्लियर and why do workers organize? again, we earlier that if treatment fair if agar management style achanayya. if fair compensation is not there, even if recognition is not there, they have to protect themselves. the urge to unionize often boils down to the belief that it is only through unity that the worker can get their fair share of the pie. वो जो प्रॉफिट है वो जो बेनिफिट है उस अदारे का उसमें से अपना जो फेयर हिस्सा है उनका बनता है वो उसी वक्त मिलेगा उनको जब वो यूनाइट होंगे वरना इंडिविजुअली इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट देयर शेयर फ्रॉम द मैनेजमेंट दिस इज देयर बिलीव एंड आल्सो प्रोटेक्ट दम सेल्फ फ्राम द आर्बिट्रेरी डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट तो दीज आर द रीजन बेसिकली कि दे वांट कि उनके साथ ज्यादा ना हो वो अपना जो उनका हक बनता है वो उनको मिलता रहे इसलिए वो इकट्ठे होते हैं और ये यूनियन का कॉन्सेप्ट जो है वो ओरिजिनेट हुआ ये लफ्ज़ भी आपने देखे होंगे सुने होंगे स्ट्राइक पैसे हमारे नहीं है ठीक हैं तनख्वाहें बढ़ाई जाए बोनस दिया जाए सो दीज आर द फ्यू थिंक जब भी यूनियन की बात आती है तो हमारे जहनों में ऐसे आता है नाउ इट इज नॉट नेसेसरी दैट दिस इज ऑलवेज द केस जरूरी नहीं है कि स्ट्राइक ही यूनियन करवाए जरूरी नहीं है कि वो हर वक्त अपनी सैलरी के बारे में बात करें आपसे दिस दैस इज वन आस्पेक्ट और बिकॉज इन आवर सोसाइटी हमारे पास काम थोड़ा है वर्कर ज्यादा हैं, फैसिलिटीज कम हैं, रिसोर्सेस थोड़े हैं लेने वाले ज्यादा हैं तो दैट माइट बी रीजन कि हमने इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ही देखा या सुना या पढ़ा हमने दिस इज द अप्रोच हाउ वी टेक इट एक चीज अच्छी है अगर उसको अच्छे तरीके पे आप लिया जाए उसको अगर उसी चीज को एक्सप्लाइट किया जाए तो दैट इज ए नेगेटिव एस्पेक्ट। लेबर यूनियन इज ए गुड थिंग इफ इट इट क्रिएट द बैलेंस विद इन ऑर्गेनाइजेशन इवन इट इज गुड फॉर द मैनेजमेंट टू नाउ कंट्रोलिंग द पीपल विल बी वेरी इजी फॉर देम। बट इफ समबडी विल एक्सप्लाइड इट इट इज ए डेंजरस थिंग एज हैपन इन लेट सेवेंटीज और हमारे यहाँ भी जब यूनियनिज्म का कॉन्सेप्ट आया तो हमने इसको एक्सप्लाइड किया नेगेटिव साइड ताला पे तालाबंदियों पे स्ट्राइक्स पे पर्सनल बेनिफिट्स के लिए बट इफ वुल टेक इट इज इन इज ऑन जो उसका अपनी उस प्रॉस्पेक्ट के अंदर इसको लेके उसका फायदे के साथ चलाएं तो ये लेबर की प्रोटेक्शन भी है वर्कर की प्रोटेक्शन भी है उनके फायदे के लिए भी है और एज ए होल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हारमोनी क्रिएट करने के लिए भी है बट प्रोवाइडेड इफ बोथ पार्टीज आर प्लेइंग द फेयर गेम सो ये जो स्ट्राइक ये जो ये चीज़ें हैं ये इसका दूसरा साइट है जहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं होती किसी भी साइट से ठीक है सो so आगे चलते हैं वाई पीपल ज्वाइन यूनियन अभी हमने कुछ चीज़ें देखी एक तो जनरली वही चीजें होंगी स्टिल पीपल ज्वाइन यूनियन बिकॉज दे वॉन्ट ग्रेटर बार्गेनिंग पावर जैसे कहा कि कोलेक्टिवली आप ज्यादा आपकी से है इंडिविजुअली शायद आपको कोई लिफ्ट भी ना कराए सो फॉर ग्रेटर बार्गेनिंग पावर पीपल ज्वाइन द यूनियन डिजायर फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन कुछ लोगों को सेल्फ एक्सप्रेस करने का शौक होता है लीडर बनने का भी शौक होता है तो शायद इसलिए भी यूनियन ज्वाइन करते हैं लोग टू मिनिमाइज फेवरेटिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन ये वेरी इंपॉर्टेंट रीजन आपके जो वर्किंग एन्वायरमेंट के अंदर फेवरेटिजम डिस्क्रिमिनेशन इस चीज को रोकने के लिए भी पीपल ज्वाइन दी यूनियंस सोशल फैक्टर भी हो सकता है पियर प्रेशर आपके साथ ही यूनियन ज्वाइन कर रहे हैं वो कहते हैं चले भाई आप भी साथ हमारे मजबूरी बन जाती है कभी कभी जब आप काम इकट्ठे कर रहे होते हैं तो दैट कैन बी वन रीजन एंड फायदा लेने के लिए भी सम पीपल ज्वाइन यूनियन बिकॉज इस तरीके से वो एडवांसमेंट देंगे आगे बढ़ेंगे उनको फायदा होगा वट अबाउट द अदर साइड रीजन टू रिजेक्ट यूनियन साफ पीपल डोंट वॉन्ट टू ज्वाइन यूनियन कल्चर प्रॉब्लम हो सकता है आपकी सोसाइटी में इसको अच्छा ही ना समझा जाता हो पीपल डोंट टेक इट इज ए पॉजिटिव एक्टिविटी तो दैट कैन बी वन रीजन जॉब सेटिस्फैक्शन इफ यू आर ऑलरेडी सेटिस्फाई योर जॉब विद योर मैनेजमेंट दाई टू गो फॉर दो थिंग्स वाई टू वेस्ट टाइम इफ यू फील एवरीथिंग इज फेयर हेयर आपकी मैनेजमेंट आपका बहुत ख्याल करती है कभी ज्यादा नहीं हुई किसी के साथ तो नो नीड टू गो फॉर दी यूनियन टाइप ऑफ थिंग्स एंड दैट इज़ वन रीजन दैट नाउ इट इज वी सी दैट इतना यूनियनिज्म का इतना वो जोर नहीं चल इस वक्त है मार्केट में और ये भी हो सकता है कि आप डर की वजह से कि अगर हमने यूनियन ज्वाइन की तो हो सकता है इसके कॉन्सिक्वेंसेज हों ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट कैन स्टॉप समथिंग फ्रॉम यू और इट कैन बी कैन हैव ए बैड इफेक्ट ऑन योर कैरियर तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि आप यूनियन को ज्वाइन नहीं करते वाई हैज यूनियन मेंबरशिप डिक्लाइन जैसे मैंने आपसे कहा कि आसता कभी सेवेंटीज में एटीज में इसका बड़ा जोर था अब आजकल हम इतना इसको सुनने को नहीं मिलता एक्सेप्ट सर्टन ऑर्गेनाइजेशन में इस वक्त बड़ी स्ट्रांग यूनियन जो है दे आर प्लेइंग देयर पार्ट बट वाई एज ए होल द ट्रेंड इज डिक्लाइन लेट्स सी दैट इज शिफ्ट इन एम्प्लॉयमेंट from मैनुफैक्चरिंग टू सर्विस मोस्टली इट हैज़ बिन सीन गे कि यूनियनिज्म जो होता है ये इवन ये ज़्यादातर उन इंस्टीट्यूशन में होता है ऑर्गेनाइजेशन में होता है जो प्रोडक्शन की तरफ होती है मैनुफैक्चरिंग की तरफ होती है तो मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूनियन का ज़्यादा जोर होता है या वहाँ पर ज़्यादा ये एक्टिविटी होती है लेकिन हमारी आज देखें कि आसता हाँसा हम शिफ्ट हो रहे हैं फ्राम मैनुफैक्चरिंग टू सर्विस इंडस्ट्री एंड इन सर्विस इंडस्ट्री नाउ यू डोंट फाइंड एनी

मिस यूज ऑफ दिस यूनियन थिंग्स तो फिर इसको एम्प्लॉयज ने इसके अगेंस्ट वेरी एग्रेसिवली दे एक्टेड और इसको बैन भी करवाया और इस डिस्करेज भी किया गया इसको जिसकी वजह से भी यूनियन का डिक्लाइन आया हमारी सोसाइटी के अंदर स्पेशली और क्या हुआ एम्प्लॉयज ऑफन फाइन परमानेंट रिप्लेसमेंट फॉर स्ट्राइकिंग एम्प्लॉयज आपने देखा होगा कई दफा आपने सुना कि उन्होंने सबको रिप्लेस करके नए वर्कर रख लिए तो इट इज द दर्द नाउ इट्स मैटर स्पेशली दिस टूडे वर्ल्ड यू कैन अफोर्ड द वेस्टेज ऑफ टाइम यू कैन अफोर्ड द स्ट्राइक्स बिकॉज दैट इज क्रिएटिंग वेरी नेगेटिव इफेक्ट ऑन योर परफॉर्मेंस इस वजह से भी और अब तो इवन द काइंड ऑफ इकोनॉमिक प्रेशर वी हैव इन अवर सोसाइटीज इवन वर्कन कैन एर फॉर टू हैव डे ऑफ्स तो ये बहुत सारी चीजें मिक्स होके ऐसी आई हाँ कि जिससे यूनियनिज्म की तरफ ट्रेंड कम होता गया यूनियन के फंक्शंस क्या थे टू बार्गेन फॉर इंप्रूव वेजेस वर्किंग आवर्स वर्किंग कंडीशन एंड बेनिफिट फॉर दिस में बस बोनस के लिए निगोशिएट करना अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो इसमें से वर्कर का भी शेयर होना चाहिए उनके बेनिफिट्स के लिए बारगेन करना उनकी और जो आवर्स हैं वर्किंग आवर उनके लिए उनकी मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज के लिए उनके बच्चों के बेनिफिट्स के लिए तो दीज आर दिस वाज़ अ बेसिक फंक्शन द प्राइमरी फंक्शन टू बार्गेन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ व्हाट योर बेनिफिट्स योर सैलरीज योर वर्किंग कंडीशन

और जिस तरह वो स्टैंड लेती हैं वहां से अपने उस उम्मीदवार को वो जिताती भी है वहां से बिकॉज दे हैव गुड पॉपुलेशन द नंबर ऑफ पीपल विद और क्या बेनिफिट्स हैं इसके वही हायर वेजेस एंड बेनिफिट्स इंफ्लुएंस करते हैं वर्किंग रूल्स जो बनते हैं उस पर टाइमिंग होनी चाहिए अगर डबल शिफ्ट लेंगे तो ये होगा अगर ओवर टाइम होगा तो उसकी कॉम्पनसेशन ऐसी होगी ग्रेटर जॉब सिक्योरिटी के लिए भी यूनियन ने Apna role play and dealing with management because again remember singly individually it is very difficult to deal with the management collectively yes you might have the same but provided if the system is good then why to worry the important thing is we should have a good system now let's see effects of union on management. इसका मैनेजमेंट पे क्या असर होता है इज इट गुड और बैड द यूनिट इज इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज द सीजन एंड पॉलिसीज आर सब्जेक्ट टू चैलेंज एंड निगोशिएशन नाउ इट इज नॉट लाइक दैट यू आर द ओनर एंड यू कैन डू एनी इफ यूर डिसीजन इफ योअर पॉलिसीज आर हैविंग एनी इफेक्ट ऑन योर वर्क फोर्स अगर कोई भी डिसीजन आप लेते हैं तो इट इज सब्जेक्ट टू चैलेंज इफ इट इज नॉट Good for them, or if they don't if they feel that this is a fact in the adversary. So now they are not basically they are not free to make any decision. Now they have to be, before making any decision, they have to keep in their mind the stakeholder, the interests of the worker. Management's power are limited. Authoritarian management style, hai. You just say and people obey it, that might not be working anymore. That is why the new concept of management by objective is there, the participative management. You involve everybody there in your decision making, and so it is working very fine. So by this unionism, management ki authority power says, independently, decision, karna on not possible chat, nehi And then even management may have to disclose certain informations about the company to union representatives. जब यूनियन बनती है और ला में प्रोटेक्शन जब उसकी अंडर ला बनती है तो फिर उनको अपनी कंपनी से कुछ इंफॉर्मेशन शेयर भी करनी पड़ती है यूनियन के साथ अपनी बैलेंस शीट में भी इवन रिसोर्स एंड अदर थिंग्स इट डिपेंड यूनियन कैन ऑल्सो इफेक्ट मैनेजमेंट बाई इन द इन दर डिस ऑफ स्टाफिंग्स कैन टेल दैम दैट सी वी नीड एक्स्ट्रा पीपल हेयर बिकॉज द वर्क इज मोर डिमांडिंग इवन कई इंस्टीट्यूशन के ऑर्गेनाइजेशन के, के अंदर तो यूनियन आपको प्रोवाइड करती है शिफ्ट हैं जो मुख्तलिफ वर्कर के होती हैं इंप्लाइज डेवलपमेंट के लिए जो डिसीजन होते हैं उस पर भी असर अंदाज होती है यूनियन एंड समाइम दे चैलेंज योर डिसीजन

इट इज नॉट लाइक दैट एक्सी दिस इज ए बेनिफिशियल पार्ट टू नाउ ए पर्सन कैन ऑट जस्ट इन ए गुड मॉर्निंग कम एंड मॉर्निंग टाइम एंड सेज ओके यू आर आउट वाई इफ समबाडी इज फुटिंग हिज लाइफ देयर हिज वर्क देयर हिज टाइम देयर नव ही शी शुड है राइट टू फाइंड द रीजन तो इन सारी चीजों में वो जो मैनेजमेंट के डिसीजन होते थे जो मैनेजमेंट की पावर थी शायद उस पर अगर अगर उस तरह देखा जाए तो मे बी इट इज अफेक्टिंग ट अगेन एज ए साइड इन बिगिनिंग एनी थिंग कैन एट बी गुड और बैड इट इज हाउ यू आर यूजिंग इट दिस यूनियन कॉन्सेप्ट हाउ इट विल बी यूटिलाइज ये किस तरह इसकी आप यूज कर रहे हैं दैट कैन क्रिएट इट गुड और बैड इफेक्ट लेकिन देखें हाल अगर दोनों पार्टीज फेयर डील कर रही हैं तो इट इट इज गुड फॉर बोथ और अल्टीमेटली इट कैन क्रिएट हार्मोनी इन दर्गनाइजेशन union management relationship moderate the impact of union on productivity how see if you have positive union management relationship you can have the higher productivity if they have the good relationship union and management ultimately the productivity will be increased performance will be high but if they have the negative union management relationship then there is a problem then it is the Strike, then it is the out of way more concentration on the bad thing, like how to let other people down. And ultimately, what is going to happen? The performance productivity will be less. So, this is the relationship how good they are with each other, and again, on ground realities, some basic grounds. So, if they have the good relationship. डक्टिविटी डॉन्ट है कि किस तरह उनको खराब किया जाए उसको लेट डाउन किया जाए तो अल्टीमेटली क्या होगा कि उस फर्म की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी कम हो जाएगी और जिस तरह फिर वो तालाबंदियां हो जाती हैं देखे होंगे आपने सुना होगा बड़े बड़े कारखाने बंद हो जाते हैं और दे आर नॉट दे डोंट हैव दी गुड रिप्यूट इन द मार्केट एंड स्पेशली इन दिस एरा व्हेन इट इज द एनवायरनमेंट एंड इफ यू हैव दिस टाइप ऑफ सिग्नल इन द मार्केट दैट इट इज सम काइंड ऑफ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड द मैनेजमेंट सो वॉट इज गोइंग टू हैपन योर क्लाइंट माइट लूज द इंटरेस्ट एंड दे विल स्टार्ट लुकिंग Another side to do other people because they don't want to take risk. So this is dangerous. So we have to look at it and decide what kind of relationship we want to have. The both the worker and the management, the union and the management. Ultimately, the both will be loser if something went wrong. So that is the relationship. बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिलेशनशिप ऑफ बिटवीन दो यूनियन एंड मैनेजमेंट एंड दर्फॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ द फॉर्म ना वेयर यूनियन रिप्रेजेंटेशन इज द ग्रेटेस्ट जैसे मैंने आपसे कहा कि आस्था आसा ये डिक्लाइन आ रहा है लेकिन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन ऑर्गेइजेशन जहां पर यूनियन की रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होती है या ज्यादा इफेक्टिव होती है देखा गया है कि गवर्नमेंट की जो सेटअप्स होते हैं उसके अंदर यूनियन जल्दी बनती है ज्यादा इफेक्टिव होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्र, इंडस्ट्री के अंदर यूनियन इज वेरी स्ट्रांग। ट्रांसपोर्टेशन में है तरह हमारे यहां रेलवे की यूनियन है पी आई ए की अपनी एक यूनियन है वक्ती तौर पे बैन लगते रहते हैं वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी चेंज होती है सिमिलरली पब्लिक यूटिलिटीज जो है वापटा की हो सकती है स्वी गैस वालों की हो सकती है सिमिलरली लार्ज इंडस्ट्रीज एंड कॉरपोरेशन उनके अंदर ये यूनियन ज़्यादा बनती हैं और इफेक्टिव होती हैं लेट्स सी व्हाट इज दिस कलेक्टिव बार्गेनिंग बिकॉज हमने देखा शुरू में जब हमने यूनियन को डिफाइन किया वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यूनियन बनती क्यों है ताकि वो कलेक्टिव बार्गेनिंग कर सकें किसके साथ एम्प्लॉयर के साथ, Employer के साथ. but what is collective bargaining? this is a nego negotiation process between management and laborers in which both parties try to agree on the terms of the contact is known as collective bargaining. and this is a negotiation process between home, between the employers and the representative of the workers. and that can be union. सो दैट दे शुड कम टू एन एग्रीमेंट विच इज नोन एज कोलेक्टिव बार्गेनिंग सो फिर हम कुलेक्टिव बार्गेनिंग कैसे डिफाइन uh, करेंगे या समझ सकते हैं कि एक प्रोसेस है नेगोसिएशन का जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट रिजाइन होता है एग्री होता है बहुत पार्टीज का पार्टीज कौन सी यहां पर एंप्लायज हैं और वर्कर हैं हजार 5,000 हजार या दो हजार वर्कर तो नहीं निगोशिएट करें उनके रिप्रेजेंटेटिव करते हैं जो यूनियन की शक्ल में भी हो सकते हैं और इस सारे प्रोसेस को कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्टिव बारगेनिंग ऑब्जेक्टिव आर कंट्रेक्ट एग्रीमेंट्स विच इज एक्सेप्टेबल टू बोथ पार्टीज अगेन द एम्प्लॉयर एंड लेबर यूनियन इन दिस केस and the common issues which are being discussed or decided are the same thing. the wages, the working hour, or even the working environment, and the term and condition of employments. and if there is some problem, grievance process usko hai, procedure it, aap so these are the objectives of the collective bargaining. And collective bargaining involves what? Who are the parties there? Of course, labor, management, and sometimes government is also involved when the scene is not being taken place between labor and management. So, third party intervention or yeah, arbitration is yeah, involved. And indirectly, the financial institutions are also involved. How are now, the question can come in your mind that. उ कैन दाउ दे आर आर फोर फीप फोर पार्टीज इन वारदर देन टू तो बेसिकली तो कलेक्टिव बार्गेनिंग में दो ही पार्टीज हैं एक तो लेबर है और एक तो जो ऑनर्स हैं या एम्प्लॉयर है लेकिन अगर उनका मसला आपस में सेटल नहीं होता तो फिर गवर्नमेंट कैन जम्पिन दे डोंट वॉन्ट टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम इन द सोसाइटी तो वो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनकी यहाँ सेटअप इस, इस में या उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है दे आल्सो वाच देयर इंटरेस्ट तो लॉजिकली फोर पार्टीज इन्वॉल्व तो ये लोग वो ये वो पार्टीज हैं ये वो इंटरेस्ट ग्रुप है जो इस सारे कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं आगे चलते हैं व्हाट आर द स्टेप्स इन द कलेक्टिव बारगेनिंग्स

फिर एक वर्बल एग्रीमेंट होता है उसके बाद एक रिटर्न एग्रीमेंट बनता है और फिर उसकी वो जो कॉन्टेक्ट होता है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन शुरू में इंप्लीमेंट किया जाता है एंड इफ ड्यूरिंग नेगोशिएशन थिंग्स आर नॉट वर्किंग देन द अदर इंटरेस्ट ग्रुप विल जंप इन द थर्ड पार्टी इंटरवेंशन तो लेट्स सी टन सिचुएशन एडवर्शल रिलेशनशिप अगर तो उनका नेगेटिव रिलेशनशिप है जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया वर्कर का और मैनेजमेंट का तो क्या हो रहा है कि दोनों का आपस में दे आर कंट्रेडक्शन टू ईच अदर आमने सामने तो बैंग, तो कैन हैव दी नेगेटिव दिवेक्ट लेकिन अगर आपका कोऑपरेटिव रिलेशनशिप है तो यस थोड़ा सा बैंड करके दोनों अपना अपना रास्ता निकाल लेते हैं ये अगला जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा निगोशियेसन कंफ्लिक्ट एंड निगोशिएशन उसमें इन चीज को दोबारा देखेंगे कि हाउ कैन यू कम गो फॉर दिन विन विन सिचुएशन जब भी कोई निगोशिएशन होती है उसकी आउटकम कुछ ना कुछ तो निकलना है एंड दोज आउटकम्स कैन बी इधर विन लूज सिचुएशन जब एक किसी ने विन किया दूसरे ने लूज किया अदर ऑप्शन कैन भी अदर आउटकम कैन भी लूज लूज सिचुएशन जब दोनों ने लूज कर दिया बट द थर्ड वन द आइडियल वन इज द विन सिचुएशन जिसमें दोनों का कुछ ना कुछ फायदा हुआ बट फॉर द विन सिचुएशन बोथ हैव टू सेक्रीफाइस फ्यू थिंग्स दे हैव टू कम फॉरवर्ड जिस्तर दूसरी साइड के दूसरा जो ग्राफ था उसमें बताया गया है डायग्राम में कि दोनों एक अपना रास्ता निकाल के उसको सेटल करना चाहते हैं गर्द पॉइंट यूनियन पावर इन द कोलेक्टिव बार्गेनिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग के वक्त यूनियन क्या पार्ट प्ले करती है फ्रॉम वेयर देर गेट द पावर वही चीज यून कैन बाय काट दे केन गो फॉर स्ट्राइक और दे केन जिसे पिकेटिंग इफेक्ट कहते हैं कि वो पापोगंडा शुरू करेंगे बाहर जाके गार्ड लेकर खड़े हो जाएंगे कि यहां से यहां पर डिस्क्रिमिनेशन होती है या अनफेयर तो हो रहा है यहां पर यहां से चीजें ना बाय की जाए वॉट अबाउट ग्रीविस दैट इज अनदर Very important topic while we are talking about human resource management and the procedures of type of things. This is a formal expression of individuals or collective implies dissatisfaction with company policies as well as inappropriate management actions. This process is that if you individually or collectively, hai, aapki, aap you are dissatisfied with your management or with your dissatisfied with certain action they have taken. if you feel that something has been taken, some action has been taken which is not fair and it is affecting directly to you, so you have the right to come back. but how? grievance process, it should be clear and publicized. प्रोसीजर विथ क्लरिफाइड द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग एम्प्लॉयज कंप्लेन इस प्रोसेस को प्रॉप बड़ा क्लियर होना चाहिए और पब्लिसाइज होना चाहिए सबको मालूम हो एंड इट इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड इन देंड बुक्स टू द एम्प्लॉयज हैंड बुक ताकि उसको मालूम हो अगर उन्होंने कंप्लेन करनी है तो उसका क्या प्रोसेस होगा एंड इट शुड प्रिसीव दट फेयरनेस में मोटिवेट इन फैक्ट एंड अगर ये प्रोसेस इतना अच्छा और इफेक्टिव है कि अगर कोई कंप्लेन करता है और उसको बाकायदा रिस्पॉन्स मिलता है तो फिर ये ये इट्स सेल्फ डिस प्रोसेस विल एक्ट एज ए मोटिवेटिंग फैक्टर इसके स्टेप्स क्या हैं एंड रिमेंबर यू कैन नाट डायरेक्ट राइट अवे गो टू टॉप मैनेजमेंट एंड से सॉरी मैं मर गया मेरे साथ ज्यादा होगी या नहीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर किस्म के प्राइवेट पब्लिक में भी प्रॉपर प्रोसीजर होते हैं कि आपको आप बाईपास नहीं कर सकते इवन कंप्लेंट के लिए भी यू हैव टू गो स्टेप बाई स्टेप यू हैव टू स्टार्ट एट द लोस्ट लेवल आपका इमीजिएट बात उसको बताएं इवन इनिशियली वर्बली यू कैन टेल हिम कि देखें सर मेरे साथ ज्यादा हुई है मेरा ख्याल ये जो डिसीन हुआ है उसका मुझ पर यह इफेक्ट नेगेटिव पड़ रहा है एंड इफ आर शी विल नॉट रिस्पॉन्ड गिव इट इन रिटर्न उसको कंप्लेन लेके दें आपका इमीजिएट सुपरवाइजर से बात करें फिर अगर फिर भी बात नहीं बनती तो देन यू गो टू द मैनेजमेंट द मैनेजर ऑफ द सेटअप या वो जो आपका प्लांट है जिसके भी जिसमें भी आप काम कर रहे हैं और ग्रेविश राइट्स दी आर्बिट्रेशन और अगर आप समझते हैं कि फिर भी मसला नहीं हो गया तो फिर तो आप ला रूल में आपके पास राइट होते हैं कि मुख्तलिफ बॉडीज होती हैं मुख्तलिफ इवन बाइक अंडर लॉ यू दे आर प्रोवाइडिंग यू सटन प्रोटेक्शन कि आप उसके जरिए भी अपनी कंप्लेन को फाइल कर सकते हैं जैसे मैंने कहा इट इज स्टेप बाई स्टेप प्रोसीजर इनफॉर्मल अटैम्प्ट टू रिजॉल्व पहली कोशिश करनी चाहिए फिर रिटर्न कंप्लेन करनी चाहिए अगेन यू हैव टू गो बाई स्टेप बाई स्टेप अपने सुपरवाइजर को फिर उससे सीनियर को फिर अल्टीमेटली अपना जो वहाँ का इंचार्ज है उसको दें हायर लेवल ऑफ जो डिस्कशन के लिए होता है वहाँ पे आप ले जा सकते हैं और फाइनल बाइंडिंग क्या है कि आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं कि फिर आप अगर लीगल कोई बॉडी डिजाइन है उसके पास जा सकते हैं वरना यू हैव द राइट टू गो इन द कोर्ट सो दिस प्रोसेस शुड बी आल्सो वेल डिफाइंड प्रॉपरली पब्लिसाइज सो दैट एवरीबॉडी देट एवरी बॉडी इज थिंग्स इसके कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए प्रोसीजर शुड बी सिंपल विद एडिकुट अपॉर्चुनिटी फॉर कम्युनिकेशन अब इस प्रोसीजर को इतना मुश्किल भी ना बना देना चाहिए कि गरीब आदमी या जो जो वर्कर है बेचारा वो उसको फॉलो ही ना कर सके इट शुड बी वेरी सिंपल सम फॉर्मेलिटीज इज इन एवेटेबल अब इसमें फॉर्मेलिटीज़ भी तो होती है डेफिनेटली आपको लिख के देना पड़ता है स्टेप बाई स्टेप जाना पड़ता है क्योंकि इसमें टॉप मैनेजमेंट भी इन्वाल्व हो जाती है किसी वक्त रिटर्न कंप्लेन इज नीडिड एट द लेटर स्टेज ऑफ द प्रोसीजर पहले वर्बली आप कोशिश करते हैं नहीं होता फिर रिटर्न करते हैं और अच्छी आग्नाशन वो होती है जो कोशिश करती हैं कि नीचे ही लेवल पर मसाइल का हल कर लिया जाए वाई Because it will if it will go up on a higher side level the top management level it will create bad name for them plus people might start misusing these things. So good organization the smart people they handle these issues in issue stage if they have some complaint they immediately address it and settle the issues. If possible grievances should be settled at the lowest step in the process same thing what I was saying. If possible इनिशियल स्टेज पे उसको सेटल कर लेना चाहिए सफिशियंट ट्रेनिंग ऑफ फोरमैन और फर्स्ट लेवल सुपरवाइजर इन द ग्रीवेंस प्रोसीजर इज इंपॉर्टेंट सो दैट इज द रीजन दर ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड स्पेशल ट्रेनिंग टू हैंडल दो कंप्लेन एट द सुपरवाइजरी लेवल सो दैट थिंग शुड बी एड्रेस एट द सेम पॉइंट क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंस आफ्टर इफेक्ट ज़्यादा खतरनाक भी हो सकते हैं डैमेजिंग भी हो सकते हैं इवन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन सी व लाइन मैनेजर्स रोल ऑफ एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन ए यूनियनाइज सेटिंग उस इधारों में जिनके अंदर यूनियन होती है उनके अंदर लाइन मैनेजर और एच आर मैनेजर का क्या रोल है सबसे पहले लाइन मैनेजर को देखते हैं दे कंप्लॉय विद द प्रोविज ऑफ दी कोलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट्स जो कोलेक्टिव बार्गेनिंग का डिसीजन होता है वो उनको बे करते हैं उसको फॉलो करते हैं दे अंडरस्टैंड द एग्रीमेंट प्रोविंस एंड द कंप्लेंट सिस्टम्स एंड दे रिजॉल्व द अर्ली कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए कंफ्लिक्ट क्योंकि इसका नुकसान भी है नेक्स्ट टॉपिक इस नेक्स्ट लेक्चर इज अबाउट कन्फ्लिक्ट सिमिलरली वन द लाइन मैनेजर दे आर इन द नॉन यूनिनाइज सेटअप जहां पे यूनियन है ही नहीं वहां भी तो उन इस तरह की एक्टिविटीज हो सकती हैं वहां भी इस तरह के इशू हो सकते हैं तो वहां इन्होंने क्या करना है क्या रोल वहाँ पे इस तरह की इन्वायरमेंट को क्रिएट किया जाता है ताकि यू फ्रीली कॉमेंट इफ यू हैव एन इशू यू डोंट नीड टू हैव रिप्रेजेंटेटिव टल यूर इशू गेट सेटल यूर इशू सिमिलरली एच आर डिपार्टमेंट इन दूनियन सेटिंग जैसे हमने लाइन मैनेजर के बारे में देखा कि दे कैन हैवे डिफरेंट रिस्पॉन्स और दे कैन हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेन दे आर वर्किंग इन यूनियनाइज एनवायरमेंट ए नॉन यूनियनाइज एनवायरमेंट ऐसे इदारों में जहां पर यूनियन होती हैं या ऐसे इधारों में जहां पर यूनियन नहीं होती सिमिलरली एच आर डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पीपल आल्सो दे हैव डिफरेंट एक्टिविटीज डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेन दे आर डीलिंग इन ऑर्गेनाइजेशन वेयर दे हैव द यूनियन आर इन अदर केस वैन दे डोंट हैव द यूनियन देयर तो देखते हैं कि एच आर डिपार्टमेंट इन यूनियन सेटिंग में कैसे होता है They negotiate and consult with the union and they ensure that compliances with the labour contract is taking place there. This the setting where And then, HR department in the non-union setting, here they provide workers with a greater voice in determining work conditions. When is non-setting, then HR department is directly interacting with people एंड गेटिंग द आइडिया वे समथिंग रॉन्ग उनको बोलने का मौका दिया जाता है कि दे शो टॉक कम एंड डिस्कस एंड दे इंस्टॉल ए फॉर्मल सिस्टम देयर और फिर वो बकायदा वहां पर अपना complaint, एक कंप्लेन सिस्टम बनाते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है यू कैन डायरेक्टली राइट टू एच आर डिपार्टमेंट एन डायरेक्टली राइट टू योर बॉस और फिर समाइम दर्गनाइशन दे ऑल्सो हायर दर्विसेज ऑफ द कंसल्टेंट द लेबर रिलेशन कंसल्टेंट वट आर द फेजेज ऑफ लेबर रिलेशनशअप हमने ये बार बार लेबर रिलेशनशिप की बात की यूनियनिज्म के हवाले से यूनियन ऑर्गेनाइजिंग क्लेक्टिव बार्गेनिंग एंड प्रॉपर कंट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर यह तीन चीजें हो जाए तो आपकी एक प्रॉपर यूनियनाइज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रॉपर रिलेशनशिप डिवेलप हो सकती है वेयर दे कैन हैव द्यूचुअल Respect for each other, and ultimately the productivity will be high. I think we should stop it here. Enough for the union. But let's summarize it. What we have covered today. We discuss about unions. What union is, and then we try to understand the benefits of the union. For higher wages, benefits. इन्फ्लुंसिंग द वर्क रूल्स क्रिएटिंग जॉब सिक्योरिटी एंड डीलिंग विद द मैनेजमेंट और इसका इफेक्ट भी हमने देखा कि मैनेजमेंट पर इसका क्या इफेक्ट होता है उनके डिसीजन मेकिंग पे चैलेंज भी हो सकते हैं उनके डिसीजन और वो जो प्रोसीजर पॉलिसीज बनाते हैं अब उसके लिए वो पूरे एम्पावर नहीं होते उसमें थोड़ा अब उनको उनसे भी कंसल्ट करना पड़ता है Especially for staffing, for wages, comp compensation system, even the work environment, procedures. So, it is a trade off basically. And then we discuss about collective bargaining, what this is. And you know what is collective bargaining by now? It is the negotiation process between home. एम्प्लायर एंड एंप्लॉज और एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव करते हैं या उसको हम यूनियन के नाम देते हैं ठीक है ना लेकिन बाद में एक भी हमने देखा कि इसमें और लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं गवर्नमेंट इनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनका पैसा लगा होता है क्लियर फिर हमने वो जो कंप्लेन प्रोसेस जिसको ग्रेविस्ट प्रोसेस भी कहते हैं उसको डिस्कस किया उसका प्रोसीजर देखा एंड वीड ट्राई टू अंडरस्टैंड How it is being implemented in the organization and their proper procedure for the complaints. It is not haphazardly, and but it is also suggested that we should try to address this issue right at the beginning so that it should not go at the higher stage, which might be problematic. And then we discuss about the phases of the labor relationship, union organizing. So, collective bargaining and contact administration. So, what about next? Yes, we will be talking about conflict and negotiation in the next lecture. So, I will stop it here with this belief, K. You have understood most of the things, but remember you have to work hard. उसका कोई आल्टरनेटिव नहीं है और इस उम्मीद के साथ कि आप कन्फ्लिक्ट और नेगोशिएशन के बारे में पढ़ लेंगे इससे पहले कि अगला लेक्चर शुरू करें टेक केयर अल्लाह हाफिज अलैकुम